हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। कल के वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट को डिस्कस करा था, आज हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? देखिए, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको आप किस में मेजर कर सकते हो? मनी के टर्म्स में। ओके, और विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, और जो क्या हो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो, उन्हीं को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अब देखिए, पैसे में आप किसको मेजर कर सकते हैं? कैश अकाउंट, जैसे पूरा कैश से रिलेटेड होगा। और इसने बोला प्रॉपर्टीज लाइक आपके पास बिल्डिंग क्या है, प्रॉपर्टी है, तो बिल्डिंग अकाउंट। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके रियल अकाउंट में। ओके, लाइक मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, ये सब आपके रियल अकाउंट में आ जाएंगे। अब रूल क्या होता है? रूल होता है इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्नीचर ऑफ रुपीज 5000 हैज़ बीन परचेस्ड फॉर कैश, आपने एक फर्नीचर खरीदा 5000 रुपये का, ठीक है, कैश में, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या डेबिट होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा होता है वो डेबिट होता है। इट मींस क्या आ रहा है आपके पास? फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा। वाइल कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट मतलब आप क्या जा रहा है, कैश ही तो दे रहे हो, तो कैश अकाउंट कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब देखिए रियल अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके दो टाइप होते हैं, एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, है ना। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो चलिए फिर पढ़ते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, फील, मेजर्ड, सोल्ड एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। जैसे कि क्या? फर्नीचर को आप टच कर सकते हो, बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये क्या जाएंगे? आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। एक नोट है जिसको हम पढ़ लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, बट ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका अकाउंट को? बैंकिंग कंपनी को, जो कि एक आर्टिफिशियल कंपनी है। ओके, तो आप बैंक अकाउंट को इसमें नहीं रखोगे, ठीक है, कि ये रियल अकाउंट नहीं है, क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। दोज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच्ड, बट ऑफकोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड। जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट इनकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि क्या है आपका? गुडविल अकाउंट। गुडविल आप जानते हो, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ओके, लास्ट जो है आपका वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके क्या आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स, ठीक है। दीज अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब जैसे कि एक्सपेंसेस कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कि परचेजेस अकाउंट, सैलरीज पेड अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट। और इनकम के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? इनकम में जैसे सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है। ओके, अब इसका रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पेड 5000 फॉर सैलरीज। आपने 5000 रुपये पे करे सैलरीज के लिए। अब आप पे कर रहे हो, सैलरीज क्या आ जाएगा आपका? एक टाइप से एक्सपेंसेस ही हैं। तो इन दिस केस द टू अकाउंट बीइंग अफेक्टेड। अब देखो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सैलरीज का और एक कैश का। सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे एक्सपेंसेस को, मतलब खर्चों को, ठीक है। सैलरीज अकाउंट, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ऑन द अदर हैंड कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट वॉज वॉट गोज आउट। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमारे एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल है आपका रिसीप्ट 1000 फॉर कमीशन, लाइक इनकम का, ठीक है। तो आपको 1000 रुपये का क्या मिला है? कमीशन मिला है। इसमें भी दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे? एक तो कमीशन और एक कैश। पैसा ही तो मिला है,
ठीक है, कमीशन के उस पर। तो कमीशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी इनकम को, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली हम इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और आप वैसे भी देखो तो कैश क्या है? कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपके कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करा के देन आपके क्वेश्चंस का स्टार्ट करूँगी। ओके, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे एडजस्टमेंट को दो क्वेश्चंस में ही कवर कर लिया था, ऐसे ही मैं इजी इजी क्वेश्चंस बनाऊँगी जिसमें सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कवर हो रहे हों। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।